ओम शांति। आज हम जानेंगे कल्प वृक्ष का रहस्य। भारतीय शास्त्रों में कल्प वृक्ष को एक उल्टे वृक्ष के रूप में बताया गया है, जिसका बीज और जड़ें ऊपर की ओर हैं और तना एवं शाखाएं नीचे की ओर हैं। वास्तव में यह वृक्ष मनुष्य सृष्टि का ही एक मॉडल है, जिसका बीज निराकार शिव परमात्मा ऊपर की ओर परम धाम में है और जिसका तना और शाखाएं इस पृथ्वी लोक पर हैं। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चित्र में सबसे नीचे देखिए, यहाँ कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय पुरुषोत्तम संगम युग दिखाया गया है, जहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा और अन्य ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने शिव पिता परमात्मा के साथ सहज राजयोग का अभ्यास करते दर्शाए गए हैं। संगम युग ही इस पूरी सृष्टि का फाउंडेशन है। इसी युग में आने वाली सृष्टि की रचना होती है। इसे परमात्मा के अवतरण का युग कहा जाता है, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। एक बात जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, वह इसी युग की बात है। यही पुरुषों में उत्तम बनने का समय है, जिसमें खुद परम पिता परमात्मा शिव आकर नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं, जो आत्माएं संगम युग में ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाती हैं, केवल वही आत्माएं सतयुग आदि से पुनः जन्म लेना आरंभ करती हैं। फिर सतयुग से इस सृष्टि की शुरुआत होती है। यह अति सुख का समय होता है, जहां दुख का नाम निशान भी नहीं होता, क्योंकि इसकी रचना स्वयं परमात्मा करते हैं, कोई मनुष्य मात्र नहीं। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का राज्य होता है। सतयुग त्रेता को मिला करके आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का तना है। इसके बाद द्वापर युग शुरू होता है। यहीं से ही अन्य धर्म की आत्माएं शाखाओं के रूप में निकलती हैं, जैसे इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। यहाँ से ही देवी स्वभाव वाली आत्माएं विकारों के प्रभाव में आकर धीरे धीरे आसुरी स्वभाव लेना आरंभ करती हैं। इसी समय पर कुछ ऋषि एवं पवित्र आत्माएं शास्त्रों की भी रचना आरंभ करते हैं, समाज को नई दिशा देने के लिए। इसी समय से पूजा, भक्ति, यज्ञ, तप की शुरुआत होती है। कलयुग के अंत तक आते आते आत्माएं दुखी और अशांत होकर प्रकृति के पांच तत्वों की भी पूजा करना आरंभ करती हैं, जैसे पीपल का वृक्ष, पौधे, नदियां एवं नक्षत्र, पत्थरों की, यहाँ तक कि मनुष्य आत्माओं की भी। आत्माएं दुखी होकर अपने पिता परमात्मा को पुकारती हैं। उनकी पुकार सुनकर शिव पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ज्ञान योग की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही सृष्टि के महापरिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और तीन प्रकार से इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। एक और जाति, धर्म, भाषा, देश आदि भेदों के आधार पर ग्रह युद्ध आरंभ होते हैं और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं और तीसरी ओर विश्व युद्ध द्वारा एटॉमिक एनर्जी के द्वारा इस सृष्टि का महापरिवर्तन होता है। इन तीन कारणों से मनुष्य आत्माएं प्यारे परम पिता के साथ अपने घर परम धाम वापस जाती हैं। सिर्फ कुछ ही आत्माएं इस पृथ्वी पर शेष रहती हैं, जो आने वाली नई सृष्टि अर्थात सतयुगी दुनिया की शुरुआत करती हैं। आशा करते हैं यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम जल्द आपके समक्ष एक नए अध्याय के साथ पुनः हाजिर होंगे। और अब आज का होमवर्क। आज यह अभ्यास करेंगे कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठी सृष्टि की आधार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।